तो गाइस ये हमारे पास टीवी है और हम इसको करने वाले हैं आज बूम। सबसे पहले हम इसको प्लग स्विच से निकाल लेते हैं बाहर, इसका केबल ओबल अलग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इसको इधर। चलो फिर चलते हैं। तो गाइस हम इसको घर से काफी दूर ले आए हैं ताकि अगर कोई नुकसान हो, टीवी फटे तो जो नुकसान हो दूर हो और घर में कोई नुकसान ना होए। और गाइस लाते लाते हम बहुत थक गए हैं। गाइस ये मेरे पास पेट्रोल है, लेकिन इसको जलाने से पहले हम थोड़ा इसके मैकेनिज्म के बारे में आपको बता देते हैं। गाइस इसमें पीछे जो नली नुमा होता है पिक्चर ट्यूब के पीछे, उसमें नियोन गैस पाई जाती है। नियोन गैस खतरनाक गैस नहीं होती है, ज्वलनशील गैस नहीं होती है। नियोन गैस जो नली में भरी होती है उसको जब पावर दिया जाता है, पावर जाता है उसमें, तो वो गैस लाल हो जाती है। लाल हो के वो फोकस बना के गैस तब हमें एक कंटेंट दिखाती है। तो गैस अब हम चल रहे हैं टीवी में पेट्रोल डालने ताकि सही से आग जल जाए और आग लग सके। तो सबसे पहले हम इसको पीछे पीछे की तरफ डाल लेते हैं पेट्रोल अंदर। मुझे तो लगता है पूरा पेट्रोल चला गया अंदर तक। अब गाइस हम इसको आग लगाते हैं। तो आगे ये गाइस ये बहुत खतरनाक था वीडियो, आग बच गया नहीं तो मेरे साथ खतरा हो सकता था। गाइस अब आपको हम दिखा रहे हैं टीवी में आग लग गई है, थोड़ा हमको इससे दूर रहना है नहीं तो खतरा भी हो सकता है, ये टीवी फट भी सकती है। तो गाइस हम वीडियो में आप देख रहे हैं कि इसका मकई और इसका सारा मैकेनिज्म जल रहा है। गाइस इसके ट्रांसफार्मर टीवी सारे जल चुके हैं और ये गाइस हम आपको बताएं पूरा टीवी जल के खत्म होने वाला है। इसका पिक्चर ट्यूब पूरा फट चुका है, इसके सारी नियोन गैस और वगैरह इसका ट्रांसफार्मर जल चुका है। गाइस ये पता नहीं कौन कौन सी इसमें गैस निकल रही है और टीवी का हाल कुछ इतना खराब हो गया, इतना बुरा, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से ये जल जाएगा। इसके कांच और सब जल गए। गाइस इसको सामने से देखिए, सामने से शीशा भी इसका टूट चुका है। गाइस मैं तो कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से इस टीवी का हाल होगा। ओ तेरी की गाइस मुझे तो ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी, लेकिन गाइस ये जितना खतरा हम समझ रहे थे कि इतना खतरा होगा उतना खतरा कुछ हुआ नहीं। धीरे धीरे वो पटाखे फूट रहे हैं, मुझे तो लगा बम की तरह फटेगा, लेकिन गाइस कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी मैं इससे थोड़ा दूर हो रहा हूँ। गाइस इतना काला धुआं निकल रहा है, इतना गंदा धुआं निकल रहा है, ये पता नहीं गैस का है प्लास्टिक का है मुझे तो इतना नहीं पता, लेकिन बहुत जहरीला धुआं निकल रहा है। गाइस मैं इसके सामने से बगल हो जाता हूँ।
ये मेरी तरफ जिसका धुआं आ रहा है। तो गाइस टीवी लगभग लगभग पूरी तरह से जल चुकी है, बहुत मोटे मोटे कांच हैं गाइस, और इसमें एक पता नहीं कपड़े जैसा है कोई, मुझे लगता है लोहे की या मेटल की एक परत है जिसपे वीडियो का कंटेंट दिखते हैं, ये नहीं जला। तो पता नहीं क्या चीज़ है, इसका तो आइडिया मुझे नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस ये क्या है, आपको थोड़ी देर बताते हैं गाइस। ये देखो, ये अभी बचा हुआ है और ये इसका कांच है। और गाइस हम आपको इसमें अगर दिखाते हैं, अभी भी ये जल रहा है, आधा घंटा हो गया फिर भी ये जल रहा है। इसके पिक्चर ट्यूब का जो पीछे का मैकेनिज्म लगा होता है, ये कॉपर की तारें लगी होती, ये गाइस ये उसकी तार है, अभी भी ये जल रही है। और इसका ट्रांसफार्मर गाइस मुझे कहीं नहीं दिख रहा। तो गाइस आप लोगों से हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि आप घर पर इसको ट्राई मत कीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। हमने खुद डर डर के इसको जलाया है। तो गाइस ये लगभग लगभग पूरा जल चुका है अभी। तो फिर गाइस हम आपको दिखाना चाहते हैं इसमें क्या बचा। गाइस ये इसका स्पीकर है, स्पीकर पूरा इसका मैग्नेट तक तो गाइस निकल गया, जल के पूरा मैग्नेट भी अलग हो गया। पहला स्पीकर तो मिल गया, ये गाइस दूसरा स्पीकर है, दूसरा भी ऐसे ही कुछ हाल हुआ है, पूरा इसका मैग्नेट ऊपर का कैप सब निकल गया गाइस। इसका ये स्पीकर जल चुका है, जैसे कि आपको पता ही होगा अगर मैग्नेट को आग में जला दिया जाए तो मैग्नेट का पावर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये देखिए इसका पावर पूरी बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। गाइस ये देखो अब चिपक नहीं रहा, बिल्कुल ख़त्म हो गया गाइस, ये बिल्कुल देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गाइस। ट्रांसफार्मर का तो पता नहीं चल रहा है, पर ट्रांसफार्मर इसका कहाँ जाए, और इसके ये मैकेनिज्म अभी भी जल रहे हैं, थोड़े बहुत आग हैं। ये मुझे लगता है गाइस ये ट्रांसफार्मर है, नहीं ये भी नहीं है। तो गाइस हम आपके लिए इतना खतरा मोल लिए हैं। गाइस आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। गाइस हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, आपका अगर सपोर्ट मिलता रहेगा गाइस तो हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन गाइस प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ताकि दे रहेंगे अभी क्या गाइस है आपके लिए और भी बड़े बड़े वीडियो हम लाने वाले हैं।